ये पहली मीटिंग में अगर किसी ने मिस किया तो मेरे को ऐसा लगता है कि पहली मीटिंग में मिस करते ही क्या होता है, अपलाइन डाउनलाइन और कोलाइन को ऐसे चिंता होती है, उसको मिस करते हैं वो। हर बंदे को हर बंदा देखता है, वो किसी भी लेवल पे हो, भले स्टेज पे ना आता हो, लेकिन लोग ध्यान रखते हैं अपने लेवल का, अपने कॉम्पिटिटर का, अपने साथ वाले का, और उनको चिंता होने लग जाती है। तीनों को चिंता होती है पहली मीटिंग में कि वो बंदा क्यों नहीं आया, तो उनको ये लगता है कि शायद उसका समय खराब चल रहा है या अच्छा नहीं चल रहा है। लगातार दूसरी मीटिंग में अगर वो ना दिखा तो अपलाइन और डाउनलाइन को चिंता होती है कि यार उसका क्या हुआ, लेकिन कोलाइन मन ही मन खुश होता है कि यार एक और हमारा कॉम्पिटिटर या सामने का रोड़ा चलो हट गया। और तीसरी मीटिंग में अगर कोई लगातार ना आए तो इसका मतलब उसकी उल्टी गिनती चालू हो गई, मुश्किल से अब उसको पटरी पे आ पाएगा, बहुत कम चांस है कि अगर वो पटरी पे आ जाए। मैंने जितने लोगों को इस बिजनेस से आउट होते देखा है, पहली मीटिंग मिस होते ही हमको पता चल जाता है कि इसके साथ गड़बड़ हो रहा है, और जैसे ही दूसरी मीटिंग में आदमी ना आए तवज्जो देना बंद कर दे, यानी वो क्या कर रहा है, जाने अनजाने हमारे सिस्टम, हमारे अपलाइन, हमारे काम को, जिस काम ने उसको यहां तक पहुंचाया था, उसको तवज्जो देना बंद कर रहा है। और जैसे ही उसके मन में तवज्जो बंद हुई, इसका मतलब उसके उल्टे दिन चालू हो गए।